Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2011 की फिल्म द वेल डिगर्स डॉटर के बारे में, जो कहानी है पास्कल नाम के एक आदमी की, जो एक उलझन में फंस गया जब उसकी बेटी एक रईस दुकानदार के बेटे की वजह से परेशानी में पड़ गई। 26 साल का जैक फ्रेंच एयरफोर्स में पायलट का काम करता है और एक दिन वो अपने परिवार के घर के पास फिशिंग करने आया था। तब वहाँ 18 साल की पैट्रिशिया आई, जो अपने पिता के लिए खाना लेकर जाना चाहती थी और जैक ने नदी पार करने में उसकी मदद की। पैट्रिशिया उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई और अपने पिता के लिए काम कर रहे आदमी फेलिपे के पास पहुंची। फेलिपे और पैट्रिशिया के पिता कुआं खोदने का काम करते हैं और उन्हें खाना देकर पैट्रिशिया वापस अपने घर जाने लगी। उस दिन पैट्रिशिया का जन्मदिन था, पर किसी को ये याद नहीं था और ये बात फेलिपे को अजीब लगी। पास्कल ने बताया कि पैट्रिशिया के जन्म से वो पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि वो एक बेटा चाहता था, पर उसके बाद हर बार कोशिश करने के बावजूद बेटियां ही पैदा हुई। पास्कल बहुत गरीब हुआ करता था, इसलिए उसने एक रईस औरत को पैट्रिशिया को गोद लेने के लिए दे दिया और ये सोचकर खुश हो गया कि पैट्रिशिया एक अच्छे घर में खुश रहेगी। दूसरी तरफ उसके घर में सिर्फ बेटियां थी और उसके हालात बदतर होते जा रहे थे। कुछ सालों बाद पैट्रिशिया को घर वापस आना पड़ा, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी उस घर के लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस दिन के बाद पास्कल के घर खुशी लौट कर आई और इसलिए वो पैट्रिशिया को भगवान का दिया खजाना मानता है। उसने ये सारी बातें फेलिपे से इसलिए कही क्योंकि वो पैट्रिशिया से बहुत प्यार करता है। पैट्रिशिया को जैक पसंद आने लगा था और वो चाहती थी कि जैक फिर से उसकी मदद करे, पर वो इस बात से डर रही थी कि कोई उन्हें साथ देख लेगा। जैक पैट्रिशिया से बातचीत करना चाहता था, पर डर के मारे वो वहाँ से भागने लगी। किसी तरह उसे रोककर जैक उसे अपनी बाइक पर घर तक छोड़ने ले गया और पहली बार पैट्रिशिया एक बाइक की सवारी करके खुश हुई। पैट्रिशिया को उसके घर के पास छोड़कर जैक वहाँ से चला गया। जैक के पिता आंद्रे मेजल एक रईस दुकानदार है, जिसकी पत्नी इस बात से परेशान है कि जैक एयरफोर्स के शो में हिस्सा लेने वाला है। दूसरी ओर पास्कल इस बात से परेशान था कि जल्द ही उसे अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा करना होगा और वो ये सोच रहा था कि अगर उसने उसकी शादी फेलिपे से करवाई तो वो हमेशा अपनी बेटी के करीब रहेगा। फेलिपे भी पैट्रिशिया से शादी करना चाहता था और उसने अगले दिन पैट्रिशिया को अपने साथ एयर शो देखने ले जाने की बात की। जब फेलिपे ने यही बात पैट्रिशिया से कही तो उसने कहा कि अगले दिन उसे काम है, इसलिए वो फेलिपे के साथ नहीं जा सकती। अपनी बेटियों के साथ मिलकर पास्कल ने पैट्रिशिया को उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। फेलिपे ने फिर से पैट्रिशिया से अपने साथ एयर शो में चलने के लिए कहा और इस बार उसने बताया कि उस शो में जैक भी प्लेन उड़ा रहा होगा और वो फेलिपे की बहन का दोस्त है। जैक के एक पायलट होने की बात पता चलते ही पैट्रिशिया एयर शो में जाने के लिए मान गई, पर फेलिपे ये सोचकर खुश होने लगा कि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। उस रात पैट्रिशिया की छोटी बहन अमांडा उसके पास आई और कहने लगी कि वो जानती है कि पैट्रिशिया फेलिपे को पसंद नहीं करती। अमांडा फेलिपे को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि वो पैट्रिशिया को छोड़ उससे शादी की बात करे, पर फेलिपे का ध्यान उस पर आया ही नहीं। अगली सुबह फेलिपे अपनी गाड़ी में पैट्रिशिया को एयर शो में ले गया और पैट्रिशिया के करीब रहने से वो बहुत खुश होने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि जिस जैक से वो पैट्रिशिया को मिलाने वाला है वो उसी के लिए वहाँ आई है। फेलिपे अपने दूसरे दोस्तों से मिलने चला गया और पैट्रिशिया और जैक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। जैक ने उससे कहा कि वो फेलिपे से कहे कि वो अपनी बुआ से मिलने जा रही है और जैक से मिलने आ जाए। पैट्रिशिया जानती थी कि ये बात फेलिपे पास्कल को बता देगा और इसलिए उसने ये झूठ कहा कि उसके पिता और बुआ की बनती नहीं, इसलिए वो उन्हें ये नहीं बता सकता। फेलिपे ने उसके झूठ को सच मान लिया और बिना वक्त गवाए पैट्रिशिया जैक के पास चली गई। फेलिपे कैफे में उसका इंतजार करने लगा और पैट्रिशिया को जैक अपने घर ले गया, जहाँ जाने से वो डरने लगी, पर वो भी जैक के साथ वक्त बिताना चाहती थी। जैक उसके करीब आना चाहता था, पर पैट्रिशिया को ये सब कुछ सही नहीं लगा, पर फिर जैक ने कहा कि वो पैट्रिशिया से प्यार करता है और पैट्रिशिया वहाँ से चली गई। रोते हुए वो कैफे तक पहुँची, जहाँ फेलिपे इंतजार करते करते सो गया था। पैट्रिशिया जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी, पर फेलिपे की गाड़ी बंद पड़ गई। फेलिपे ने जैक को आते हुए देखा और उससे कहा कि वो पैट्रिशिया को घर ले जाए, पर बीच रास्ते में पैट्रिशिया ने उसे रुकने के लिए कहा और वो दोनों वहीं रुक गए।
पैट्रिशिया भी जैक से प्यार करने लगी थी और इसलिए उसने अपने आप को रोका नहीं और कुछ वक्त बाद उसने कहा कि वो घर जाना चाहती है। पैट्रिशिया इस बात से परेशान थी कि वो एक वेल डिगर की बेटी है और जैक एक रईस खानदान का है, इसलिए उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। ठीक उस वक्त एक पायलट ने जैक के माता पिता को बताया कि जैक को 3 महीनों के लिए अफ्रीका जाना होगा और जैक ने जाने से पहले अपनी माँ को पैट्रिशिया के बारे में बताया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो पैट्रिशिया को उसके जाने का कारण बता दे, वरना वो ये सोचेगी कि जैक ने उसे छोड़ दिया है। अगले दिन उसकी माँ पैट्रिशिया के पास गई, जो जैक का इंतजार कर रही थी, पर क्योंकि वो एक वेल डिगर की बेटी थी, जैक की माँ ने उसे सच नहीं बताया और जैक की चिट्ठी उन्होंने वही जला दी, जिसके बाद पैट्रिशिया ये सोचने लगी कि गरीब होने की वजह से जैक ने उसे छोड़ दिया है। फिलिपे को भी वॉर में लड़ने के लिए बुलाया गया और जाने से पहले उसने पैट्रिशिया से शादी की बात की, पर पैट्रिशिया ने ना कर दी और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर फिलिपे का दिल टूट गया, पर उसने कहा कि बच्चे के पिता से उसे बात करनी चाहिए और अपने प्यार को पीछे छोड़कर फिलिपे वहाँ से चला गया। उस रात पैट्रिशिया ने पास्कल को बताया कि उसने शादी के लिए ना कर दी है और अपने पिता से वो ये सच छुपा नहीं पाई कि वो किसी और से प्यार करती है। पास्कल ये सोचकर हैरान था कि वो सिर्फ 2 बार उस लड़के से मिली है और उसे उससे प्यार भी हो गया। उसने बताया कि वो लड़का जैक है और शायद वो उसे कभी अपनाएगा नहीं। जल्द ही पैट्रिशिया ने ये भी बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है और ये जानकर पास्कल परेशान हो गया। अगले ही दिन पास्कल अपनी सारी बेटियों को लेकर जैक के माता पिता के पास चला गया। अपनी बेटियों से उन्हें मिलाकर आखिरकार उसने पैट्रिशिया को सामने आने के लिए कहा और जैक की माँ कोशिश करने लगी कि उनके सच को एक ब्लैकमेल की तरह सामने लाया जाए। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि गरीब लड़कियाँ ऐसे ही रईस खानदान के लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं और पास्कल की बेइज्जती करके उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया। पर जाने से पहले पास्कल ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ बात करने आया था क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे के पिता को ये सच मालूम हो। अपने परिवार और खासकर अपनी बेटियों को बदनामी से बचाने के लिए पास्कल ने पैट्रिशिया को दूसरे शहर में रह रही अपनी बहन के घर भेज दिया ताकि वो उस बच्चे को वहाँ जन्म दे, और पैट्रिशिया इसके लिए तैयार हो गई। फिलिपे कुछ महीनों बाद घर लौट कर आया और उसे अमांडा ने बताया कि जैक के वॉर में गुमशुदा होने की खबर आई है। वो ये खबर सुनते ही जैक के पिता से मिलने गया, जिन्होंने कहा कि वो जानते हैं जैक लौटकर कभी नहीं आएगा और वो अपने बेटे के मौत की खबर के लिए तैयार है। फिलिपे पास्कल से मिलने गया और उसने कहा कि वो अमांडा को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके जवाब में पास्कल ने कहा कि वो उस पर नजर रखे ताकि कोई और लड़का किसी बाइक पर आकर उसे अपने साथ न ले जाए। वो दोनों ये कहकर गए थे कि वो घूमने जा रहे हैं, पर असल में वो पैट्रिशिया से मिलने गए थे और ये सच पता चलते ही पास्कल अपना आपा खो बैठा। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी उससे रिश्ता रखे। फिलिपे ने बताया कि वो सिर्फ पैट्रिशिया और उसके बच्चे को देखना चाहता था और उसने बताया कि पैट्रिशिया ने उस बच्चे को आंद्रे पास्कल नाम देने का फैसला किया है क्योंकि आंद्रे जैक के पिता का नाम था और पास्कल पैट्रिशिया के पिता का। फिलिपे अब भी पैट्रिशिया को अपनाना चाहता था और ये जानकर कि वो पैट्रिशिया और उसके बच्चे को अपना लेगा, पास्कल खुश था। जल्द ही पास्कल ने फिर से अपनी बेटी और उस बच्चे को अपना लिया और उन दोनों को अपने साथ घर ले आने की बात करने लगा। वो पहली बार उस बच्चे को देख रहा था और उसे देखते ही उसका दिल पिघल गया। कुछ दिनों बाद जैक के माता पिता उनके घर आए और आंद्रे ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि जैक को ऑफिशियली शहीद घोषित कर दिया गया है। उन्होंने उस बच्चे को देखा और कहने लगे कि वो उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। वो अपने बेटे को खो चुके थे और अब उनका वारिस यही बच्चा था। पैट्रिशिया ने बताया कि जैक ने कभी उसे अपनाया ही नहीं, इसलिए वो बच्चा उसका है ही नहीं। उस वक्त जैक की माँ ने सारी सच्चाई उन्हें बताई और कहा कि उसने जैक का मैसेज कभी पैट्रिशिया तक पहुँचाया ही नहीं और उसकी चिट्ठी पैट्रिशिया तक पहुँचने से पहले ही उसने जला दी थी। ये सच जानकर पास्कल और गुस्से में आ गया और उसने कहा कि वो उन दोनों को कभी उस बच्चे के करीब तक आने नहीं देगा। उस दिन के बाद पैट्रिशिया आंद्रे के घर आने जाने लगी और ऐसा करने से पास्कल उसे रोक नहीं रहा था, पर उसे डर था कि वो उससे पैट्रिशिया के बेटे को छीन लेंगे। वो आंद्रे और उसकी पत्नी के दुख को समझता था, इसलिए वो उनके पोते को उनसे अलग नहीं कर रहा था, पर उसने पैट्रिशिया से कहा कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे ताकि कोई भी उससे उसे छीन न ले। कुछ वक्त बाद फिलिपे खुशी खुशी आंद्रे के घर में आया और उसने बताया कि जैक जिंदा है और उसने जैक को इसी शहर में देखा है। उसने ये कहा कि जैक जल्द से जल्द घर आ रहा है और ये सुनकर वो सब खुश हुए। पर जैसे ही पैट्रिशिया घर से बाहर गई, उसे जैक अपने सामने खड़ा मिला। जैक ये जानकर खुश था कि उसका एक बेटा है और वो अपने माता पिता से मिलने चला गया।
पास्कल अपनी बेटियों के साथ वहाँ आ गया और जैक के आने की खबर सुनकर वो खुश तो हुआ पर उस बच्चे के बारे में सोचने लगा। वो उस बच्चे को लेकर छिपते छिपाते नीचे आया और अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया। जल्द ही फेलिपे से उन्हें ये खबर मिली कि जैक अपने परिवार के साथ उनके घर आ रहा है और फेलिपे और पास्कल बेसब्री से उनका इंतजार करने लगे। कुछ वक्त बाद उनकी गाड़ी वहाँ आई और पास्कल का पूरा परिवार उनके स्वागत की तैयारी करने लगा। आंद्रे ने पास्कल से पुरानी बातों के लिए माफी मांगी और कहा कि वो पैट्रिशिया और जैक की शादी करवाना चाहता है और बिना किसी सवाल के पास्कल शादी के लिए मान गया। पैट्रिशिया भी शादी के लिए मान गई, जिसके बाद जैक उसे अपने साथ ले गया और उसने कहा कि वो वहाँ पछतावे की वजह से नहीं बल्कि इसलिए आया है क्योंकि वो पैट्रिशिया से प्यार करता है और हमेशा से उससे प्यार करता आया है। और उस दिन के बाद पैट्रिशिया और जैक कभी अलग नहीं हुए। मगर इस सब के बाद भी आंद्रे और पास्कल उस बच्चे के लिए लड़ते रहे, जिसके बाद जैक ने कहा कि उस बच्चे पर उन सब का हक है और उस बच्चे को इस पूरे परिवार का प्यार मिलना चाहिए। अंत में हर किसी को अपनी खुशी मिल गई क्योंकि फेलिपे ने कहा कि वो अमांडा से शादी करना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।